पालू ने रसोई का बजट बिगाड़ा, 8 दिन में कीमतों में 5% का उछाल, आखिर कब मिलेगी महंगाई से राहत। आलू के प्रमुख उत्पादक राज्यों पश्चिम बंगाल उत्तर प्रदेश में रबी सीजन की आलू कटाई के समय जनवरी फरवरी में बेमौसम बारिश से फसल पर बुरा असर पड़ा है, जिससे उत्पादन में गिरावट दर्ज की गई है। ये स्थिति भी कीमतों को ऊपर ले जाने का कारण बनी है। आलू की बढ़ती कीमतों ने रसोई का बजट बिगाड़ रखा है। लगातार थोक कीमतों में उछाल से परेशानी बढ़ी है। 1 अप्रैल से 20 मई तक आलू की थोक कीमतों में 25% का उछाल दर्ज किया गया है। कीमतों में उछाल की वजह गर्मियों के दौरान खपत बढ़ने की तुलना में कोल्ड स्टोरेज से आलू बाजारों में नहीं पहुंच पा रहा है। ट्रेडर्स का अनुमान है कि नवंबर तक आलू की कीमतें ऊपर ही रहने वाली हैं। आलू के प्रमुख उत्पादक राज्यों में पश्चिम बंगाल उत्तर प्रदेश में रबी सीजन की आलू कटाई के समय जनवरी फरवरी में बेमौसम बारिश से फसल पर बुरा असर पड़ा है, जिससे उत्पादन में गिरावट दर्ज की गई है। अकेले उत्तर प्रदेश में प्रति एकड़ 35 क्विंटल आलू की उपज कम हुई है। आंकड़ों के अनुसार बीते वर्षों में प्रति एकड़ 151 क्विंटल प्रति एकड़ आलू का उत्पादन दर्ज किया गया, जबकि इस बार केवल 115 क्विंटल प्रति एकड़ ही उत्पादन हुआ है। यूपी में अप्रैल से अब तक 25% दाम बढ़े। इन स्थितियों के चलते आलू की कीमत में करीब 2 महीने से लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। अकेले 8 दिनों में ही उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आलू 4% प्रति क्विंटल महंगी हो गई है। लखनऊ में 8 दिन पहले आलू का मॉडल रेट 1750 रुपए प्रति क्विंटल था, तो वो अब 21 मई को बढ़कर 1860 रुपए प्रति क्विंटल पर पहुंच गया है, जबकि 1 अप्रैल से अब तक की कीमतें देखें तो आलू 25% महंगा हुआ है। आजादपुर मंडी में 15 दिनों में 5% दाम उछले। दिल्ली की आजादपुर मंडी में भी आलू के भाव में लगातार तेजी ने दिल्ली NCR के उपभोक्ताओं की रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। हरियाणा उत्तर प्रदेश से आवक बढ़ने पर कीमतों में कुछ नरमी जरूर देखी गई है। सरकारी कमोडिटी प्लेटफॉर्म AgMarketNet के आंकड़ों के अनुसार बीते 15 दिनों में आलू की कीमतों में 5% का उछाल दर्ज किया गया है। 2 अप्रैल से 21 मई 2024 तक आलू की कीमत में 32% का रिकॉर्ड उछाल दर्ज किया गया है। 2 अप्रैल को आलू की थोक मॉडल कीमत 1055 रुपए प्रति क्विंटल थी, जो आज 21 मई को बढ़कर 1560 रुपए प्रति क्विंटल पर पहुंच गई है। कब मिलेगी आलू की महंगी कीमत से राहत? रबी सीजन में आलू के उत्पादन में गिरावट दर्ज की गई है। फसल कटाई के बाद कुल आलू उत्पादन का 60% कोल्ड स्टोरेज में स्टॉक हो चुका है। 15% आलू ही बाजार में आया है और बाकी 20 के रूप में इस्तेमाल करने के लिए किसान अपने पास रोके हुए हैं। अब गर्मियों के चलते आलू की खपत में बढ़ोतरी हुई है, जबकि कोल्ड स्टोरेज से आलू को निकालकर बाजार में ट्रेडर्स नहीं ला रहे हैं। आमतौर पर जुलाई अगस्त के दौरान कोल्ड स्टोर का आलू बाजार में आता है, लेकिन इस बार जरूरत पहले ही पड़ती दिख रही है। हालांकि नवंबर से पहले कीमतों में गिरावट का अनुमान नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लोकसभा चुनाव के बाद किसके सर पर सजेगा ताज? मोदी सरकार के पिछले 10 साल में देश में कितना हुआ विकास? बिना बात को घुमाए द खबरदार न्यूज आपको दिखाएगा हकीकत। इसमें है जनता का भरोसा, कौन करेगा देश पर राज?